Eli's so finally enjoying it. Your boy back again with the new video. Your boy Ankush Garg का channel है ये. मैंने इसमें अच्छा perform किया है guys. हम जा रहे हैं. पैसे. मेला पैसे तो चाहिए मेरे को. पापा बोलते मेरे पास खुद 500 रुपया बचा हुआ है. मेरे पापा तो अस मोमेंट हो गया. मैं तभी और दिखाता हूँ आपको. चलिए थोड़ा आइए. तो इन भाई साहब का बैग टूट चुका है और इसको तोड़ने वाले वो हैं हर्ष कुमार शर्मा. दरिया जट नो ड्रग कह दिया. गाइस रबड़ी खाने आ चुके हैं हम वशिष्ठ के साथ यहाँ पर. गाइस तो हम वापिस जा रहे हैं क्योंकि बर्फ बहुत पड़ गई है और रास्ते ब्लॉक हो सकते हैं. क्या क्या मतलब क्या एकदम से क्या हुआ मीना कुछ बताओ. जिम से आ रहा था तो मेरे को अचानक से एक शिवजी का विजन आया कि कसौल आ जा. अच्छा मैं कसौल जा रहा हूँ. हाँ एकदम से मतलब एकदम से क्या हुआ एकदम से. मैं तो सो के उठा था एकदम से. हुआ क्या मतलब इतनी अफड़ा तफड़ी मच चुकी है इधर. आप बताइए. मैंने गाइस मैं तो सोया था ना अभी. मैं अभी 8 बजे उठा हूँ और ये हर्ष आया घर से. मरैन आया घर से और अफरा तफरी मच गई. मैं बाहर गया इनसे मिलने वाला कि हुआ क्या ये बताओ मेरे को. तो बोलते जल्दी जल्दी तैयार हो जा टाइम नहीं है. 11:30 की बस है और हम बता दी कि कुल्लू जा रहे हैं कि मनाली जा रहे हैं हमें कुछ नहीं पता है. और मैंने घर पे फोन किया पापा को कि मेरे को जा रहे हैं ऐसे. और पापा थोड़ी डांट पड़ गई कि इतनी ठंड में कहाँ जा रहा है पागल हो गया ये वो. और रात की बस है 11:30 कैसे ट्रैवल करेगा. फिर बोलते कि चले जा पढ़ने पे जदर को कि ये करने भी जाए. मैंने मेरा थोड़ा बहुत तो फन होना चाहिए. फिर बोलते कि पैसे. मेला पैसे तो चाहिए मेरे को. पापा बोलते मेरे पास खुद 500 रुपया बचा हुआ है. मेरे पापा तो अस मोमेंट हो गया. बोलते तू अपनी सेविंग खर्च ले आके जब पड़ेगी सैलरी तो तेरे को दे देंगे. मैंने बोला अच्छा. तो मेरे को तो बस इतना पता है. मेरे को नहीं पता कि कुल्लू जा रहे हैं कि मनाली जा रहे हैं. अभी इनका प्लान है अभी इनको ही पता होगा. मनाली जा रहे हैं तो ठीक है मनाली जा रहे हैं हम. और बढ़िया दरिया जट नो ड्रग कह दिया. तू गाना गा रहा था वो गाना गा. Your boy back again with the new video. Your boy Ankush Garg का channel है ये. मैंने इसमें अच्छा perform किया है guys. हम जा रहे हैं. खनवालिया. हाँ. So guys, मैं match manager हूँ है ना. हाँ. बड़ा वाला. हाँ. हवा बनानी है. हवा बना 8-8 डी रहे. So guys, हम जा रहे हैं. हमारे पास बहुत पैसे जुड़ गए हैं. आपकी आपकी देन से. आपने हो गया आप तैयार फुल पावर. चलो फिर फोटो आ गया हमारा. पूरा यहाँ पर अंधेरे में दिखेगा नहीं आपको. यहाँ पर बैठ चुके हैं और बैग कहाँ रखने हैं. तो ये बैठ चुके हैं ऑटो में. तो भाई किधर जाना बताओ. किधर जाना बताओ. किधर जाना बताओ. मनाली. ऑटो मनाली जा रहा है ये. बंदे आगे जा रहे घर की साइड. किस साइड घर. तेरे को लंबा डालेंगे. लंबा डालेंगे. गाइस जैसे मैं लंबा जाने वाला हूँ अंदर तो आपको दिखाते हैं ऐसे मछली कैसे बनाया जाता है यहाँ पर. गुटियार बुला रहे यार. देख रहे थे यार गाइस मनाली. बैठो बाबर घुस जाओ अंदर. बैठो बैठो नीना सीट है. गाइस सेकंड स्टेप पार हो गया हमारा. क्यों मीना बोर्डिंग होगी बस में. सेकंड स्टेप सक्सेसफुल पार्ट टू. एंटर देते रहेंगे हम गाइस. सफलता की दूसरी पौड़ी दूसरी सीढ़ी चढ़ चुके हैं गाइस. तो गाइस हम फाइनली मनाली के बस स्टैंड पे पहुंच गए हैं. ऑफिशियली हम मनाली के बस स्टैंड ली मतलब MANALI यहाँ से दिख रहा अभी ना थोड़ा वो जाएगा तब दिखेगा. अच्छा ये दौलतदार की पहाड़ी है. अंदर हमने हाई नेक पहना है. उसके अंदर हमने एक टी शर्ट भी डाली है. हाँ. उसके अंदर हमने हुडी डाल ली है. उसके अंदर हमने जैकेट डाल ली है. लेकिन जूते हमारे मैच वाले हैं तो पैर हमारे हो गए ठंडे. हाँ. यहाँ सिर्फ जींस और कुछ नहीं है. हमने आईज में भी लेयरिंग कर लिया ताकि आंखें ठंडी ना हो जाए. काला चश्मा डाल लिया उसके ऊपर अपना. ये भी डाल लिया पर पता नहीं क्यों डाला है क्योंकि हमारे डब्बा नहीं है रखने के लिए अभी. तो हम जाएंगे ऊपर रूम देखेंगे. हीटर नहीं हुआ तो फिर हमें शायद इस जगह को डिस करना पड़े. पर भैया जी ने हमें कुछ और भी बातें बताई हैं जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी. तो उसके बारे में देखते हैं क्या निकलता है. तो आइए देखते हैं.
गाइस अगर अखिल को स्पार्क रहना है तो अखिल तो इसलिए यहाँ पर आया है, अखिल इसलिए आया है यहाँ पर इसको स्पार्क रहना है, स्पार्क समझ रहे हो आप, इसको अपनी थकान मिटानी है इधर आके। गाइस फाइनली हमें रूम मिल चुका है, देख सकते हैं आप ये बेड है, एक आलीशान महाराजाओं के लिए बेड। यो है माँ क्या था का बचा उड़े चूर माँ। ये कौन सा फोन है? S20 F. ये ना खाई जा। यार कितने का? ते सपाटे ले मारी। वैसे बचपन का है, उसने ऑफलाइन पढ़ रहा है। बढ़िया विगल। अब वो मम्मी कंटेंट। ये देखो गाइस, माल देखो माल, फ्रेश है बिल्कुल कसोल का। ये साबुन साबुन की तरह बना के देते हैं, पता नहीं लगे किसी को। इसको आप फूंक सकते हो, ना भी सकते हो इससे, मल्टीपर्पज। हीटर से चलाए। गाइस हमारा आ चुका है ब्रेकफास्ट, परांठे विद चाय विद, तो ब्रेकफास्ट करते हैं हम, ठीक है, आराम से पूरा। हटो हटो, इस मौसम में तो रात को फिर काफी ठंड लगेगी। हाँ तो गाइस अब हम चल पड़े हैं, अब हम जाएंगे हडिम्बा टेंपल। हडिम्बा टेंपल की हडिम्बा ही है भाई, हडिम्बा टेंपल की ओर प्रस्थान करेंगे अब हम। किसको प्रशाल ले लो गाइस। गाइस हम पहुंच चुके हैं हडिम्बा माता के मंदिर। यूं अभी कल नहीं सुन रहा है, ये माता की दर्शन करेगा उसके बाद ही। पानी गिर गया कैमरे में। तपाम गाइस यहाँ पर अखिल बोल रहा है हमें म्यूजियम देखने जाना है, उसने म्यूजियम नहीं जाना देखने, उसने कुछ और देखने जाना है, इसलिए वो चला गया उधर। और ये मना कर रहे हैं म्यूजियम देखने हमें नहीं जाना, चलना है क्या ही होगा म्यूजियम में। चलो मैं तो बोल रहा था अखिल म्यूजियम देखने जा रहा, अखिल कहीं और देखने जा रहा था कुछ। मैं भी वही देखने जा रहा हूँ। हेलो शी भाई, ओए गुफा गुफा बिना गुफा घुस जाओ उसके अंदर। एंट्री इनटू द म्यूजियम। हाँ आया ले लिया जेब में ना, मतलब हाँ बता। यहाँ पे थाली रखी जब युद्ध के लिए जाते थे, होते थे युद्ध के लिए जाते थे तो पीछे आगे से एक बात थे, पीछे होते थे आर्चर। अच्छा तो आर्चर्स को बताना था कि शूट कब करना था, थाली को पीटते थे इससे। ये वो मार रहे थे लकड़ी का, ये बचता है पुरानी मेरी दादी का भी पड़ा हुआ। पार्टी होती थी, होती थी हेलमेट इसको ऊपर लगाते थे। ये तो वो है बैरल शेप चेस्ट। अभी दादू जो थे वो डायनासोर थे एक्चुअली।
अभी कल के दादा के दादा, वो तो फिर तो खत्म होना पृथ्वी नहीं थी तब तक। स्टोन वेसल बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये तो सेम कपड़े पहने थे। कैसे ऐसे पुराने जमाने के वॉशरूम देख सकते हैं? शेफर्ड बॉय वॉशरूम है ये गाइस, ये देख सकते हैं आप। ये डोरा, इसे डोरा बोलते हैं, इसे जो गद्दी लोग होते हैं ना वो यहाँ पहनते हैं। नहीं नहीं गाइस, मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ये दारुमा डॉल्स है। डोरा दिखा है, डोरा ये काला जादू करने का डॉल्स होते हैं। ये बंदे के हाथ, ये उसकी नाक, ये उसका सर, जहाँ जहाँ सुई थी चुभाओगे बंदे को वहीं लगेगी। ये अभीगल का घर नहीं, पुराने जमाने में गाइस लोग इतने छोटे हुआ करते थे, वो इस घरों में रहते थे। जैसे जैसे एवोल्यूशनरी साइंसेस बड़ी, घर बड़े होते गए, हम भी बड़े होते। फिर कुछ घर थोड़े ऐसे हो गए। जापान में जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था तो वो इसके बीचों बीच गिरा था, इसलिए आज इसमें छेद है, ये समझ रहे हो ना आप? क्या ये मॉडर्न किचन है? यहाँ के राजा थे ना, उन्होंने सोच लिया था ऐसे टॉयलेट लगेंगे, ऐसे बाथरूम लगेंगे, ऐसे सीट होंगे। किचन है कि बाथरूम? बाथरूम ऑब्वियसली ना, बाथरूम बराबर है। वो कैमरा है भाइयों, मैं नहीं उनके साथ हम नहीं इनके साथ निकलो भाई। गाइस यहाँ पर हमारे हर्ष यहाँ पर कुछ डिस्कस करने गए हैं, हर्ष और मरैना। ये हमें सोलोंग जाना है, सोलोंग की सलंग के नाम भाई, सोलांग वैली, सोलांग मैदान में मुझे ही उतरना पड़ेगा। उतर नहीं दे रहे गाइस, ये साजिश है मेरे खिलाफ, ऊना की बदमाशी। अब बदमाशी होगी गाइस, अब बात नहीं होगी, अब देखना जाते वॉयलेंस देखना, अब वॉयलेंस देखना 18 प्लस अर्जुन वैली लगाना पड़ेगा 18 प्लस। गाइस कुछ नहीं कर रहे हैं, ठस्से में आना देखना, कुछ नहीं होना इससे। गाइस सोलांग वैली जा रहे हैं हम, और काफ़ी अच्छा सुनने में आया है कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, तो जाके देखते हैं और आपको बताते हैं कि कैसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे। और गाइस आपका ऐसे ही कॉन्स्टेंट सपोर्ट रहा, तो एक दिन हम इंशाल्लाह लेह लद्दाख भी जाएंगे और झंडा गाड़ के आएंगे इंडिया का। बोलो जय हिंद, जय भारत। व्यू देखो गाइस आप, ब्यास नदी देख लो भाई, पूरा यहाँ पर सूट बूट पहन के अपने बंदे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं पूरा स्नो लाइन के साथ खेलने के लिए। हम रहने बढ़िया। ओए लेवेंडर क्यों लिया तूने? हैं फेवरेट तेरा, फेवरेट है? हाँ फेवरेट। अच्छा अखिल आपने तो पिंक पहना है। इस तो ऊपर पहुंच के अब आपको दिखाते हैं बाकी का व्यू, हम क्या क्या एक्टिविटीज है हमारे। किधर? ओए क्या हुआ? ज्यादा बदमाशी करनी तेरे को बर्फ में, ऐसे होना फिर
इधर थोड़ी है, उसने ऊपर बोला जाने के लिए ऊपर जाना है, ऊपर चलो। ओए क्या कर रहा है, खराब हो गए सर। सर मीना के घोंसले में गाइस, यहाँ पर ये स्नोमैन बना रहे हैं, लेकिन पता नहीं कैसा स्नोमैन बनेगा। इसको देख लो मीना को, देख सकते हैं आप, अलग ही नजारा हो चुका है यहाँ पर। इनको देखो गाइस, यहाँ के लोग आए हैं फन करने। ये देखो आप पूरा बिल्कुल वाइट वाइट, क्या कर रहा है तू? मैं अरेस्टिंग, मतलब तेरे ऊपर बर्फ जम जाए तू स्नोमैन बन जाएगा। ओ नाइस, मैं एक अलाइव स्नोमैन बनना चाहता हूँ। अलाइव स्नोमैन, अलाइव बोर्डलैंड। हाँ ओए उसको 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 देख, उसको देख, उसको गाइस देख, इसको देखो। ओए बस ज्यादा वीडियो नहीं आपको इतना दिखाएंगे बस, क्योंकि मेरे हाथ ठंड चुके हैं अब बिल्कुल ही। गाइस मैगी फुल बाबर बर्फ में, गाइस हम वापस आ चुके हैं मॉल रोड। हम थोड़ा कुछ खाने जा रहे हैं कि भूख, खाली पेट शैतान का दिमाग होता है खाली पेट, तो कुछ खा भी लेते हैं। उसके बाद ही हम अपने रूम जाएंगे और वहां से फिर शाम को मॉल रोड घूमेंगे, कुछ सामान सामूल लेंगे, देखते हैं कुछ अगर अच्छा लगा तो। बाकी तो हम खाने पीने जा रहे हैं अभी, ठीक है तो चलते हैं खाने पीने। गाइस रबड़ी खाने आ चुके हैं हम वशिष्ठ के साथ, यहाँ पर जलेबी भी, रबड़ी। मीठे में कोई संकोच नहीं करना गाइस, ठीक है तो रबड़ी और फुलबावर खाएंगे हम। बाहर लगी है बिल्कुल बारिश, मतलब खतरनाक वाली। तो गाइस ये भी गीला हो गया मेरा, सब कुछ ही कपड़े गीले हो गए पूरे ही, मतलब मलान ली ने काम खराब कर दिया इधर बर्फ में। और यहाँ पर ये इनको देख सकते हैं आप, ये दो इधर। बाकी हम ज़्यादा आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि आपको पता ही है बारिश इतनी हो चुकी है, जिसकी वजह से हम आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए। तो वो ब्लॉग जो है बोरिंग सा हो रहा है, कुछ आप इंटरेस्ट जगाओ गाइस। इंटरेस्ट की बात, अगर आपका इंटरेस्ट बैठ रहा है तो सुनो फिर आप। देखो मैं 10वीं क्लास में था ना, तो मेरे को इन्वेस्टिगेट कर दिया स्कूल से। क्यों? क्योंकि मैंने एक छात्र के सिर पे शीशा फोड़ दिया था। क्यों? ये तो आपने मतलब ज्यादा ही वो कर दिया, कुछ कारण रहा होगा पीछे। उसने मेरी गर्लफ्रेंड थी उसको गाली दे दी। डॉक्टर साहब ने वो कर दिया था? डॉक्टर साहब ने नहीं, स्टूडेंट ने। स्टूडेंट ने क्या किया था? ये किया था लगे। धन्यवाद आपने थोड़ा ब्लॉग कंटेंट दिया, आज से कंटेंट देते रहे। सब कोई ऐसा बोलता है शीशा फोड़ा, कुछ नहीं किया, और इसमें सकल देख कोशिश नहीं करना कुछ कभी। गाइस मैं क्यूट नहीं लगता गाइस, देखना गाइस। शुतुरमुर्ग लगे गाइस, मैं क्यूट लगता हूँ, पता है किसको क्यूट लगता है? मम्मी को। तो हमें जाना था घूमने अभी, कहाँ? मणिकरण जाना था ना, मणिकरण जाना था। लेट अलर्ट हो गया, अब हमें वापस हॉस्टल जाना पड़ेगा अपने। तो हमें बहुत अफसोस है कि हम थोड़ा ही कुल्लू के हम मंडी घूम पाए, ज्यादा नहीं घूम पाए हम। मनाली वो मंडी क्या बोल रहा, मनाली घूम पाए हम थोड़ा। क्यों हर्ष भाई? तो अब हमारा मणिकरण जाने का प्लान, कुल्लू जाने का प्लान कैंसिल हो गया। सही बात है भाई। तो कैसा लग रहा है आपको, मतलब ट्रिप में थोड़ा बहुत वो हो गया है? विघ्न आ गया है, विघ्न आ गया हमारी ट्रिप में, पर अब क्या करे, मुसीबत किसको मजा नहीं आया गाइस, अब कुछ नहीं कर सकते। मुसीबत तो मरदा ते पैंदी रहती है, तभी ना तो दुनिया स्वाद लेनी है। नाले तेरे भाई आने तू तो लिया एते बदनामी हाई रेट मिलूगी, नित कंट्रोवर्सी करे रेट मिलूगी। बस बसरा भाइयों मार्च में आ रहे हैं, मार्च में बी रेडी। मार्च में नहीं, मई में 29 295 295।
नो ऑफेंसेस ये कह रहे हैं नहीं ऐसे कुछ नहीं सिद्धू मूसेवाला अब मैं तो फैन हूँ मैं तो भक्त हूँ सिद्धू मूसेवाला सिद्धू मूसेवाला का जगह भी नहीं होगी उधर कुछ भी नहीं होगा दे रखा है उनको खाली दोबारा से ग्रोथ करेंगे ग्रोथ या वेस्टलैंड रिफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन ऑफ वेस्टलैंड रिएक्लेमेशन बात ऐसी है कि अब हमें जाना पड़ेगा वापस घरों को घरियों को जाना पड़ेगा हमें वापस नेक्स्ट मुसीबत उसी को आती है जो भगवान जो मुसीबत झेलने की बाकी सब तो ठीक है लेकिन 15% पानी भरा हुआ था अरे आपको समझ आ गया ना बस 15% पानी है सारी जगह लेकिन हमें कोई डर नहीं क्योंकि हम भी 70% पानी से बने हुए हैं चलो भाई चलो अब चलते हैं गाइस हम चेकआउट कर रहे हैं अब यहाँ पर से ये गाइस अगर आपको आना होगा भी तो आप आ सकते हैं यहाँ पर भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं हेलो हेलो ठीक है तो चलते हैं यहाँ से अब हम ओके बाय ये गाइस इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ब्लॉग को और प्यार दें इस ब्लॉग को और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा यहाँ का ट्रिप तो हम ही आए पर आपको कैसा लगा ब्लॉग तो बाय।